आज हम बात करने वाले हैं हेजेब की और हेड की, इनके कितने यूज होते हैं, किस प्रकार से हम इनको यूज करें इंग्लिश में, वो सब हम बात करेंगे सिर्फ दो मिनट में, ना ज्यादा आपका टाइम लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हेजेब का मतलब क्या होता है और हेड क्या है इसका। एक्चुअल में क्या है, हेड है ना हेजेब का ही सेकेंड फॉर्म है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हेजेब है ना वो हेड का फर्स्ट फॉर्म है, वाइस वर्सा, एक ही बात है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ हेजेब, तो हेजेब शो क्या करता है, हेजेब शो करता है पोजीशन, हेजेब शो करता है पोजीशन। जैसे मैंने बोला मेरे पास मार्कर है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना, मेरे पास मार्कर आई हैव अ मार्कर, मेरे पास माइक है आई हैव अ माइक, मेरे पास बोर्ड है आई हैव अ बोर्ड, मेरे पास क्लास है आई हैव अ क्लास। लेकिन जब मैं कहूंगा कि यार मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने क्या बोला कि मैं पढ़ा चुका हूं, तो यार मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें क्रिया आई, क्रिया बोले तो वर्ब, तो इसमें क्रिया आएगी तो हम वर्ब के संग थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेजेब के संग। तो वर्ब लगा रहे हैं जब हम, तो मैंने बोला आई हैव टॉट, आई हैव टॉट, इसका मतलब कि मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि मेरे पास मार्कर है, मेरे पास क्लास है, मेरे पास रूम है, मेरे पास टी शर्ट है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो मैं बात करूंगा आई हैव और उसके बाद जो भी उसका नाउन है। भाई धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और पूरा डीपली जाएंगे अंतर, जो आपका एकेडमिक में भी काम आएगा और कॉम्पिटेटिव में भी काम आएगा। क्योंकि इंग्लिश कोई ऐसा नहीं है यार, बहुत से पिक्चरों ने कह दिया कि भाई कॉम्पिटिशन का अलग है, स्पीकिंग का अलग है, इंग्लिश इंग्लिश है भाई, लैंग्वेज की तरफ पढ़ो, हर जगह सेट हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतनी रखते।